कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.1 निम्न समीकरणों को हल कीजिए। उम्मीद है आपने मेरा समीकरणों पर सिंपल इक्वेशन वाला जो वीडियो है वो जरूर देखा होगा, जिसमें हमने तराजू की मदद से सिंपल इक्वेशंस को हल किया था। आज हम सीखेंगे कि इन सिंपल इक्वेशंस को कैसे हल किया जा सकता है। बच्चों हमेशा याद रखना, जैसे आपको यहां पर दे रखा है, यहां जो भी एक्स या वाई या जेड या ए या बी है उनको कहते हैं चरें। ये बराबर का निशान है, इसकी दो साइडें होती हैं, एक बराबर के निशान से लेफ्ट साइड, एक बराबर के निशान से राइट साइड। अभी आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर है x माइनस दो और राइट साइड पर है 7। तो हम क्या करेंगे, ये जो चरे हैं x, y, z, a, b, c कुछ भी लिखा होगा वो जिस भी तरफ होगा उसको वहीं पर अकेला छोड़ देंगे, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। और दूसरी तरफ ले जाने का एक रूल है बड़ा सिंपल सा, अगर ये दो यहां माइनस हो रहा है तो ये जब उधर जाएगा तो इसका निशान चेंज हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा प्लस। यदि ये प्लस हो रहा होता यहां तो जब ये उधर जाता तो वहां जाके होता माइनस, ऐसे यदि ये गुना हो रहा होता तो वहां जाके होता भाग, ऐसे ये भाग हो रहा होता तो वहां जाके होता गुना। आप आगे ऐसे बहुत से प्रश्नों को करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या है कि यहां पर ये माइनस दो है, एक्स के साथ ये माइनस हो रहा है तो इसने उधर जाके होना है प्लस। लेकिन उसको करना कैसे है, सबसे पहला रूल ये है कि बराबर के निशान के नीचे ही आप बराबर लगाएं। ये सात अपने घर में पहले से बैठा है, इसको यही लिखें। यहां पर एक्स है, ये जो माइनस दो है इसको हमने शिफ्ट करना है इस तरफ, ठीक है। ये माइनस दो जो है इसको हमने शिफ्ट करना है उस तरफ, तो ये माइनस दो है लेकिन जब ये इक्वल टू को क्रॉस करके उधर जाएगा तो इसका निशान बदल जाएगा और ये बन जाएगा प्लस दो, ठीक है। क्योंकि ये माइनस हो रहा था किसके साथ, चर के साथ, चर के साथ माइनस हो रहा था इसलिए उधर जाके होगा प्लस। यहां बच गया है x, बराबर के नीचे है बराबर, यहां बन गया 7 प्लस 2 जो कि होता है 9। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, x बराबर 9। जब हमारे पास x का मान आ जाए, x की वैल्यू आ जाए तो समझ लो कि आपकी समीकरण हल हो गई, क्योंकि समीकरण हल करने का मतलब यही होता है कि x की वैल्यू निकालो। इसका अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो इसका प्रश्न है वो है वाई प्लस 3 बराबर 10। आइए अब इसको हल करके हम देखते हैं। y प्लस 3 बराबर 10, जैसा कि मैंने पहले कहा, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि बराबर के निशान के नीचे बराबर। अब आप देखो कि चर किस तरफ है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, बताओ। लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है ना y, तो ये लेफ्ट साइड चर है। तो इसका मतलब राइट साइड पे जो ये लिखा है 10, इसको ऐसे का ऐसा ही लिख दो। अब यहां पर चर को अकेला छोड़ना है, चर वाली जो भी रकम है, जैसे ये y है तो y को अकेला छोड़ना है, तो ये बाकी बच गया प्लस 3। जैसे यहां माइनस हो रहा था वैसे ये यहां प्लस हो रहा है, तो जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा यानी प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। तो यहां से बच गया y, बराबर के नीचे है y बराबर, और 10 में से माइनस 3 कर दिया तो हमारे पास उत्तर आ गया 7। ये इस प्रकार से हमने y बराबर 7, इस ये जो समीकरण थी y प्लस 3 बराबर 10, इसका उनने उत्तर निकाल दिया है y बराबर 7। देखिए फिर से करके भी देख सकते हैं, 7 प्लस 3 होता है 10, और यहां भी लिखा है 10। इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो सही है।